राज्यसभा में नागरिकता संशोधन बिल पर चर्चा जारी है। इस दौरान कांग्रेस नेता आनंद शर्मा ने कहा कि आपने कहा ये ऐतिहासिक बिल है, इस बिल को इतिहास कैसे देखेगा ये वक्त बताएगा। हालांकि बाद में जवाब में जेपी नड्डा साहब भी बोलते नजर आए, दोनों को सुनिए। केवल महात्मा गांधी और सरदार पटेल का नाम लेना संभव नहीं। मुझे नहीं पता कि जीवन में क्या होता है। सुना है कि हमारे धर्म में पुनर्जन्म को मानते हैं, पर बुजुर्ग कभी मिलते हैं? अगर सरदार पटेल आपके प्रधानमंत्री जी को मिल लिए तो बहुत नाराज होंगे, ये मैं कह सकता हूं। गांधी जी तो दुखी होंगे ही कि मेरे 150 साल मना रहे हो और ऐसा करते हो। गांधी जी केवल उनका चश्मा विज्ञापन के लिए नहीं और उनका नाम नहीं, मेरा आग्रह है उनके चश्मे से हिंदुस्तान को देखो, समाज को देखो, मानवता को देखो। अभी मैं आनंद शर्मा जी का विद्वतापूर्ण वक्तव्य सुन रहा था। उनका भाषण विद्वतापूर्ण था और अक्सर वकीलों के पास जब आर्गुमेंट की कमी होती है तो वह अपने विद्वता का प्रदर्शन करते हुए कई आर्गुमेंट्स ले आते हैं जिसका मूल से संबंध कम होता है कि जो वक्तव्य आया है उसमें फोर्स तो बहुत होता है, उसमें आवाज भी बहुत होती है, लेकिन तथ्य कम होता है। मैं रिकॉर्ड को स्ट्रेट करना चाहता हूं और रिकॉर्ड स्ट्रेट ये करना चाहता हूं कि हम कभी गांधी जी की बात करें, कभी सावरकर जी की बात करें, कभी हम किसी की बात करें, वह करना ठीक है। लेकिन आज जिस सिटीजन अमेंडमेंट बिल के बारे में हम बात कर रहे हैं उसका आधार सिर्फ एक है कि अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान में जिस माइनॉरिटी को रिलीजियस प्रोसिक्यूशन हुआ है, प्रताड़ना हुई है और वो लोग भारत में शरण लिए हैं या शरण लेना चाहते हैं, उनको सिटीजनशिप राइट देने का अधिकार देने का काम है। यह मूल बात है।